इसमें एक्सीडेंट्स काफ़ी हो रहे हैं। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि अभी जो नौजवान लड़का वो बिना हेलमेट के लगा कर घूमता है, तो अभी इस पर हम लोग कड़ाई से कार्रवाई करने जा रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है ये भी इंस्ट्रक्शंस पेट्रोल पंप को भी दिया जाएगा कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दे, वो हम लोग उसके कानूनी पहलू को जाँच कर रहे हैं। और बिना हेलमेट के अब चेकिंग होगी, और गाड़ी अगर लगातार पकड़ा जाएगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग के माध्यम से अभी हर शनिवार को जांच हो रही है, लेकिन अब औचक जांच होगी और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब लोग लगेंगे। और काफ़ी अच्छी जांच हो रही है, डीएम साहब ने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया है। तो रोड सेफ्टी पर हमें और काम करने की ज़रूरत है, तो अभी हेलमेट का अभियान काफ़ी तेज़ी से चलाया जाएगा और उस पर काम होगा। ओवरलोडिंग को रोकना है हम लोग को। और जो गाड़ियाँ दूसरे राज्य के हमारे यहाँ, अब हमारा अगला चरण है कि हम लोग ऑनलाइन पर बहुत काम कर रहे हैं। अब जब वो दूसरे राज्य की गाड़ी हमारे स्टेट में प्रवेश करे तो ऑनलाइन टैक्स जमा करवा सके, जो पहले हमारे यहाँ काउंटर्स पे जमा होते थे, अब वो ऑनलाइन भी जमा हो, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और एंट्री माफिया को तो कोई थ्रेड नहीं है, बिल्कुल ये समझ लीजिए अगर कोई एंट्री माफिया है तो उस पर कार्रवाई होनी है। और डीएम साहब, एसपी साहब, हमारे डीडीओ साहब, इन पर कड़ी नहीं। पटना में सिटी बस नाम से कोई चीज़ ही नहीं थी, प्राइवेट पीला रंग का धुआं छोड़ते हुए बस चलता था। आज प्रतिदिन 40,000 लोग, अभी हम लोग 50,000 अगले महीने तक पहुँचे, 40,000 लोग यात्री कर सफ़र कर रहे हैं पर डे, हर दिन पटना में। अभी हम लोग रक्षाबंधन के दिन हम लोगों ने सभी महिलाओं को फ्री भी चढ़ाया। तो पहले तो लोग, हमारी सुविधा ही नहीं थी इसलिए मांगने वाले लोग भी नहीं थे, तो अगर ज़रूरत पड़ी आप लोग ज्ञापन देंगे तो हम लोग इस पर देखते हैं क्या प्रोविज़न है, ठीक है। क्योंकि अब बस चलने लगी, अब लोग मतलब जहाँ भी हम लोग देखते इतना सेटिस्फेक्शन, और पूरी बस में मैंने अच्छी बसें चलाई, पता किया तो एक आदमी ने हुज्जत नहीं की या ये नहीं कहा कि हम टिकट नहीं देंगे, हमको पहचानते नहीं, हम फलाना के आदमी हैं। हमने आज ड्राइवर कंडक्टर साहब कह दिया कि कोई फलाना के आदमी नहीं है, लेकिन आज तक किसी ने, और वही पटना में 40,000 लोग पर डे टिकट दे करके चलता है, क्योंकि हम लोग सस्ते में ले जा रहे हैं, अच्छा सुविधा दे रहे हैं। तो लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ लोगों को प्रमोट किया जाए, तो कोई हो तो बात बताइए। और अभी हम लोग देखिए यहाँ 5 बसेस, अभी किसने में 0 बस थी, अब अपने आने वाले इसी महीने में, 1 महीने के अंदर 5 बसेस हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे, अगर प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाने के लिए तैयार हैं तो हम लोग और बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कुछ प्राइवेट बसेस हम लोग को मिल जाएगी, डीडीओ साहब झा जी आप भी मीटिंग कर लीजिए, तो हम लोग उनको अपना आउटसोर्सिंग के माध्यम से उन बसों को भाड़े पर लेने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि इस इलाके में और कनेक्टिविटी बढ़े, क्योंकि बहुत ही सबसे सुदूर इलाका है, हम लोग चाह रहे हैं राजधानी से कनेक्टिविटी बढ़े। अभी हम लोगों ने और भी कनेक्टिविटी का प्लान कर रहे हैं, बंगाल के साथ किस तरह कनेक्टिविटी, आज बंगाल की इतनी बसेस आती हैं लेकिन यहाँ की बसेस नहीं के बराबर जाती थी, वही सब कुछ। आज बंगाल की बसेस डीटीओ साहब चेक कीजिए, मतलब उनके लिए परमिट नहीं चाहिए, और हमें 2 किलोमीटर दरपोला चले जाते।